हे गाइस, आज था प्रीलिम्स 2019 का पेपर एंड आई होप आप लोगों का जो पेपर है बड़ा अच्छा हुआ होगा। और जिन जिन ने पेपर दे दिया है उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत आंसर किया जल्दी से मैंने जो बनाई है बना देता हूँ, एंड डिटेल में डिस्कशन हम जो 102 दिन में करेंगे जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन था मेरा सेट डी है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है इसका आंसर ए है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेकंड प्रश्न है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली। तो जो सेकंड प्रश्न है आपका, इसका जवाब भी थोड़ा सा डाइसी है इसलिए इसको मैं नहीं बोलूंगा। थर्ड इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय, तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो इज करेक्ट आंसर। फोर्थ है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो चौथा प्रश्न है आपका वो बी है, इसका आंसर बी है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पेपर जो है बहुत कठिन तो नहीं बोलूंगा मैं, ठीक ठाक ही था, इट्स नॉट टू मच टफ, बट ठीक था पेपर। फिर सेकंड है फिफ्थ, विथ रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड वोल्ट ओवर लॉन्ग टाइम इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये फिफ्थ जो प्रश्न है आपका, इसका जवाब हो जाएगा डी। एक काम करते हैं आपको, देखिए ऐसे तो मैं आंसर बताऊंगा, जिन बच्चों को मिलाना है उनका बड़ा टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर मैंने इसका देखिए टेलीग्राम पे डाल दिया है, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो वहाँ से आप जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। आंसर की भी मैं वहाँ डाल देता हूँ, और आंसर की मैं आप सारे सेट्स की ना आपको दिखा देता हूँ जो मैंने बनाई हुई है। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा एंड आप अपने आंसर्स मिला लेना, एंड डिटेल में डिस्कशन जो है हम इसका भी 102 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जो लाइन से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर डाला है इधर, सेट वन, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ठीक है। तो ये आपका देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन्थ, ट्वेल्थ एंड 14 क्वेश्चन तक आपका यहाँ पे कवर हो गया। लाइन से सीरियल लिखे हुए हैं ये, सेट ए सबसे नंबर पे, सेट बी, सेट सी, सेट डी। 15 का देख लीजिए आप, 16 का देख लीजिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, ठीक। एंड हियर वी गो, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। फिर आ जाते हैं 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, यहाँ तक करके आपका पूरा ये देखिए 59 तक का है, ठीक है। जिसको आंसर मिलाने पॉज करके मिला सकता है तो आपका काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 60 से लेके आपका 70 तक है, एंड देन आपका 70 से लेके इधर 85 तक है, फिर आपका 86 से लेके यहाँ पे 100 तक है, ठीक है। डिटेल डिस्कशन मैं ज़रूर कराऊंगा, अभी थोड़ा सा बाहर हूँ, बिजी हूँ, तो हम जो है क्वेश्चन का बिल्कुल एनालिसिस करेंगे पर वो टाइम के साथ करेंगे। अभी जो बच्चे पेपर देके आए हैं आप लोगों के लिए, आंसर किए आप इसको मिला लीजिए, एंड कुछ आंसर देखिए ऊपर नीचे हो सकते हैं, जल्दीबाजी में बनाया गया है, एंड मतलब कोशिश करी है कि मोस्ट एक्यूरेट आंसर आपके सामने आए। अगर कुछ आपके सजेशंस होंगे तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, एंड जितने बच्चे यूपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी यूपीएससी क्लासेस हमारे चैनल पे चलती है। नए हो तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, आप चैनल ओपन करके देख सकते हो। प्रीलिम्स पोस्टर्स में से मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, बाकी इट्स अप टू यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।